हेलो, कहाँ हो भाई? ओ, एक मिनट आया जी। पर हो कहाँ तुम? लीजिए आ गया मैडम जी। ससुरिया काल जी, पगड़ी बांध रहा था। यहाँ मदद करने वाला कोई है नहीं, अकेले बांधता हूँ तो ज्यादा वक्त लग जाता है। वो सब तो ठीक है, पर ये दीवार पर पोस्टर कैसे लगा रखे हैं? देवरा चाही मिल्की वाइट, वो मेरे नहीं राम खिलावन के हैं। तुम किसके साथ रूम शेयर कर रहे हो? क्या बताऊं मैडम, पुराना किरायेदार था, मकान मालिक उतारने नहीं देता, कहता है दीवार खराब हो जाएगी। मैंने कहा रहने दो फिर। ये कैसे मकान मालिक है भाई? ओ मैडम मत ही छेड़ो, ये गहरी चोट है। आपका रॉ का एजेंट सुबह परोठों के लिए मूलियां कसरा होता है और शाम को उन्हें भिंडी काट कर देता है। बाकी आज शाम को परिवार की तरफ से रस्से वाली अरबी की पुरजोर फरमाइश है। अरबी काटते वक्त हाथों में सरसों का तेल लगा लेना, खुजली नहीं होगी। लगा लूंगा जी, लगा लूंगा। आपको भी आज मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। चलो जोक्स अपार्ट, तुम्हें एक मेल भेजी है। तीन सस्पेक्ट सामने आए हैं और तीनों का नाम मनप्रीत है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये तीनों मनप्रीत इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम्हारा काम है इनमें से हर एक की इन्फॉर्मेशन निकालना और उस मनप्रीत को ढूंढना जो मिनिस्टर साहब को गोली मारने वाला है। ना 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 बापू, सांस नहीं लेना, सांस नहीं लेना। वैसे ही थोड़ी बची है, खत्म हो जाएंगी जल्दी। अंदर तो खाली है। ये है हमारा पहला सस्पेक्ट, मनप्रीत नंबर वन। अंदर तो ढोल बज रहे हैं, ये पसलियों से पेड़ तक तो बस पीपा ही है। पर हकीम साहब, दवाई तो होगी ना कोई? ओ दवाइयाँ तो बहुत अभी बी, पर दवाई का असर शुरू होने को 15 दिन चाहिए कि नहीं? और इसने तो 15 घंटे नहीं निकालने। ओ मेरी बात का बुरा ना माना, कोई तो इलाज करो। इनकी तो एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले अपने बच्चे का मुंह जरूर देख ले। ओए होए। तुम तो कह रही थी कि बाबे की घुटनों की दवाई लेनी है, अब ये क्या चक्कर है बेबी? अरे बेटा, दवाई तो घुटनों की ही चाहिए। इन घुटनों से चलेगा तभी तो बठिंडे जाके अपने बेटे का मुंह देखेगा। अच्छा अच्छा, लो मैं और ही कुछ समझ गया था। पर तुझे बाबे को पैदल क्यों लेके जाना बठिंडे? तू बाबे को बस से लेके जा। ये ले पुड़िया, एक पुड़ी बाबे को बस में चढ़ने से पहले दे देना। चलो उठो बाबू जी, रिक्शा रक्षा ढूंढो, ट्रैफिक बहुत है, रिक्शा ही नहीं मिलता यहाँ। ओ ये बाबा उठाओ अपना। आओ भाई, अगला मरीज कौन है? तो आ जा भाई। हेलो। चाय? नहीं जी, मैं नहीं पीता। ओ नहीं नहीं, मैं मंगवा लेता हूँ यार। सुबह से 10 मरीज आए, किसी ने हकीम साहब को चाय नहीं पिलाई। नब्ज तो तेरी टकाटक है। ओ नहीं नहीं हकीम साहब, एक्चुअली मैं मरीज नहीं हूँ, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ओ तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? सेल्समैन नॉट अलाउड। पर वो तो पड़ोस की दुकान पर है। पढ़ा तो है कि नहीं भाई? रूल सबके लिए सेम होते हैं, नो इंश्योरेंस। चलो यार तो, हकीम साहब मेरी बात तो सुनिए ठंडे दिमाग से। सोचिए कल जिंदगी में आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को 4 पैसे मिल जाएंगे। तेरे जैसे बीमा करने वाले एजेंट्स को ये लाइंस अच्छी तरह रटाई होती है कंपनी ने, पर इनका मेरे पे कोई असर होता ही नहीं। मैं बीमा करवाता ही नहीं, पूछो क्यों? क्यों क्यों के मेरे बच्चे हैं ही नहीं। लोगों को खिलाते हो पुड़िया और अपने हैं ही नहीं। कभी आप भी खा लिया करो। उस्ताद जी, अगर दवाइयों से बच्चे होते ना, फिर तो रात को गमले में दवाई डालो और सुबह पौधों के बच्चे लग जाएंगे, वहां से तोड़े जाओ बच्चे। दरअसल बच्चे होने के लिए ना शादी होना भी बहुत जरूरी होता है, और अपनी तो ही नहीं। एक्चुअली हकीम साहब देखिए, मैं आपको सारी बात। अरे भाई रुक जा, एक मिनट ब्रेक लगा तू, एक मिनट। ये ले पकड़, ये पुड़ी खा ले। ये किसकी पुड़ी है? ये जो है दरअसल बेशर्मी की पुड़ी है, जो बेशर्मी तुझ में भरी है ना उसके लिए। किसी की दुकान में घुस जाओ और जाके जबरदस्ती उसके इंश्योरेंस किए जाओ। यार नहीं करवानी इंश्योरेंस, चलो जाओ। और भी बहुत काम होते हैं, इंसान को काम करने दिया करो, जान खा लिया। ये साला हकीम कम और पागल ज्यादा लगता है मुझे। हकीम साहब मैं कह रहा हूं एक बात, डर गया क्या?
तेरा अपना बीमा हुआ है, फिर क्यों डरे जा रहा है? इस मक्खी ने भी बहुत खून पिया था, बिल्कुल तेरी तरह बिना पूछे अंदर आ गई थी। और वो व्हीलचेयर? ओ, दरअसल एक पेशेंट के घुटने ठीक किए थे, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी व्हीलचेयर दे गया तो मैं उस पर बैठने लग गया। और उस्ताद, जो उड़ते परिंदों पर निशाना लगा लेते हैं ना, उन्हें बीमे की पॉलिसी की क्या जरूरत है? ये मक्खी तो मैंने चाकू से मारी है, वैसे उड़ता मच्छर में गोली से भी मार देता हूं। चलो